अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये सुन्नी बहश्ती ज़ेवर की हमारा पार्ट नंबर ये 12 है, सफ़ा नंबर 36 और हिस्सा नंबर ये अव्वल है, पहला है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चूंकि ये इससे पहले हम वज़ू का बयान, गुस्ल का बयान चल रहा है, उसी में से ये गुस्ल ही इसमें से जो कुछ बाकी रह गया है वो है। मसला बता रहे हैं कि दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जमी हो जो पानी बहने से रोके तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है, जबकि छुड़ाने में ज़रर और हर्ज न हो, जैसे छालिया के दाने। अब छालिया कोई चीज़ होगी, हमको तो इल्म नहीं है। गोश्त के रेसे, जैसे गोश्त जो खाते हैं उसमें जो रासा वगैरह होता है, दांत में फंस जाता है, तो उसको छुड़ाना है। और अगर छुड़ाने में ज़रर और हर्ज हो, जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाना कि छुड़ाने के काबिल नहीं होता, या औरतों के दांतों में मिस्सी की रेखें जम जाती हैं, उनको छीलने में ज़रर का अंदेशा है, तो इस कदर की माफ़ी है। दुर्रे मुख्तार वगैरह आगे बता रहे हैं कि नाक में पानी डालना दोनों नथनों का जहाँ तक नरम हिस्सा है, यानी सख्त हड्डी के शुरू तक, उसका धोना कि पानी की सोख कर ऊपर चढ़ा, जैसे पानी को मैंने खींच कर नाक में पानी डाल, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, मैंने सोखेंगे और उसके बाद से नाकों की जो हड्डी है वहाँ तक पानी पहुँचाएंगे। बाल बराबर जगह भी धुलने से न रह जाए, वरना गुस्ल न होगा। नाक के अंदर कसाफत यानी रीठ जम जाती है तो उसका छुड़ाना फ़र्ज है, नीज नाक के बालों का भी धोना फ़र्ज है। बुलाक का सुराख अगर बंद हो तो उसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है, फिर अगर तंग है तो हरकत देना ज़रूरी है, वरना नहीं। दुर्रे मुख्तार, रतुल मुख्तार वगैरह। नंबर 3 बता रहे हैं कि तमाम ज़ाहरी बदन यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे हर रोंगटे पर पानी बह जाना, जब तक एक एक ज़र्रे पर पानी बहता हुआ न गुजरेगा, गुस्ल हरगिज न होगा। अमाय कुतुब हार शरीयत, ये सब बता रहे हैं कि जिस्म के हर हिस्से हर पुर्जे पर गुस्ल मना हो, जैसे गुस्ल का पानी बह जाए। और जो फ़राइज़ बताए हैं वो फ़राइज़ मैंने तीनों के तीनों फ़राइज़ मुकम्मल पाई जाए। आगे बता रहे हैं कि गुस्ल की एहतियात यानी गुस्ल में दो किस्म की बे एहतियातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें गुस्ल नहीं होता और नमाजें बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 1 लिखा है कि पानी को बाज़ जगह तेल की तरह चपेड़ लेते हैं या भीगा हाथ पहुंच जाने पर कनाअत करते हैं, हालांकि ये मसा हुआ, और मसा नहीं करना है हमको, वज़ू गुस्ल करना है। तो ये कह रहे हैं कि गुस्ल न हुआ, गुस्ल में पानी हर जगह बह जाना ज़रूरी है। नंबर 2 बता रहे हैं कि अक्सर आवाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे भी ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया, मगर बदन पर हाथ पानी डालकर हाथ फेर कर मले और मलने पर उस पर पानी गिरा ताकि वो बह जाए। हालांकि बाज़ जगह ऐसी है कि जब तक ख़ास तौर पर एहतियात न किया जाए वो नहीं धुलेंगी और गुस्ल न होगा, लिहाजा हम यहाँ तफसील से बयान करते हैं। खूब तवज्जो से पढ़ें और हमेशा ध्यान में रखें कि बदन के हर पुर्जे पर रोंगटे पर पानी बहाना फ़र्ज है, वरना गुस्ल न होगा। वज़ू में जिन अज़ा की एहतियात की जाती है उनका लिहाज यहाँ भी ज़रूरी है। उनके अलावा ख़ास गुस्ल में एहतियात की जगह ये है, अब आगे बताएं क्या क्या है। नंबर 1 में दे दिए हैं कि सर के बाल गूंधे न हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहना ज़रूरी है, और अगर गूंधे हो तो औरत पर सिर्फ जड़ तक कर लेना ज़रूरी, जैसे जड़ के अंदर, बाल के जड़ के अंदर को धोना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गूंधी है
तो वे खुले जड़े तक न होगी तो खोलना ज़रूरी है। नंबर दो बता रहे हैं कि कानों में बाली वगैरह जेवरों के सुराखों सुराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सुराख का हुक्म है। वज़ू में बयान हुआ उसे फिर देख लें, यानी वज़ू जो बयान हो चुका है कि मतलब नथ में का अगर हिलने से भी पानी अगर नहीं बह रहा है तो उसको निकाल करके फिर उसको धुलेंगे। और कह रहे हैं कि अगर ये जो बयान है वो पीछे गुजर चुका है उसको एक मरतबा देख लें। अब नंबर तीन बता रहे हैं कि कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह कानों के पीछे बाल हटाकर पानी बहाए। नंबर चार बता रहे हैं कि ठोड़ी और गले का जोड़ की बे मुंह उठाए न धुलेगा। नंबर पाँच है कि दो बगलें की बे हाथ उठाए न धुलेगी, जैसे बगल वगैरह को धुलना है और जैसे गर्दन के नीचे का ठुड्डी वगैरह का धुलने के बारे में बता रहे हैं। नंबर छः है कि बाजू का हर पहलू और पीठ का हर जर्रा, पीठ की पलटीन उठाकर और नाप में उंगली डालकर धोएं। नंबर आठ है कि और पैरों का जोड़ और रान और पिंडली का जोड़, जैसे कि पिंडली वगैरह हो गई और पैर जहाँ से मुड़ता है जिसको हम लोग घुटना बोलते हैं वहाँ की जोड़ उसके अंदर का बता रहे हैं। नंबर नौ है कि दोनों सुरीन, जैसे सुरीन बोलते हैं ना पीछे के मकाम को जिसमें इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर उसको सुरीन बोलते हैं, उसको उर्दू में चूतड़ भी बोलते हैं। सुरीन के मिलने की जगह, जैसे मान लीजिए दो सुरीन है एक दायां एक बायां, तो जब हम बैठते हैं तो दोनों सुरीन खुल जाता है और जब उठते हैं तो दोनों सुरीन बंद हो जाता है। तो वही कह रहे हैं ना कि उसको अच्छे से बैठकर या उसमें पानी डालकर हाथ लगाकर उसको धुलें। नंबर दस है कि रानों की गोलाई यानी जांघ की, रानों की गोलाई पिंडलियों की करवटें, जो रान की जो गोलाई है उसके अंदर जैसे शर्मगाह के अगल बगल जांघ जो है उसके अगल बगल चारों तरफ जहाँ कांच को अक्सर पकड़ लेते हैं वहाँ पर पूरा अच्छे से उसको धुलेंगे। बता रहे हैं कि ढलकी हुई पिस्तान को उठा कर धोएं, जैसे औरत के जो पिस्तान औरत की जो छाती है जिससे बच्चे दूध पीते हैं जिसमें दूध होता है उसको उठाकर उस हिस्से को उठाकर उसके नीचे पानी बहाना है। इसीलिए कि पिस्तान की वजह से उसके नीचे पानी नहीं पहुंचते हैं, तो क्या करना है कि पिस्तान को दूध जो हिस्सा है दूध वाला जो हिस्सा है उसको उठाकर उसके नीचे को पानी बहाकर उसको अच्छे से धुलेंगे। आगे बता रहे हैं नंबर 12 पर कि पिस्तान और पेट के जोड़ की जगह, जैसे पिस्तान है जहाँ से मैंने उसकी जोड़ है वो और जो उसकी पेट की जो जोड़ है वो उसके जोड़ की जगह, यानी सबको अच्छे से धुलना है। नंबर 13 के शर्मगाह का हर गोशा हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख्याल से धोया जाए, हाँ अंदर उंगली डालकर धोना ज़रूरी नहीं मुस्तहब है। यूं ही हैज़ व नफास से फारिग होकर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से अंदर से खून का असर साफ कर लेना मुस्तहब है, लाजिम नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कि जैसे शर्मगाह हो गया औरत के आगे का मकाम हो गया या फिर पीछे का मकाम हो गया, तो जो आगे का मकाम है तो उसमें जो है शर्मगाह के अंदर अगर वो हैज नफास है तो शर्मगाह के अंदर कपड़ा डालकर या फिर पानी उनी से उसको खूब अच्छे से साफ कर लेगी। तो कपड़ा डालकर साफ करना मुस्तहब है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो ऊपर ही से खूब बढ़िया से पानी गिरा कर उसको अच्छे से साफ कर सकती है, आगे का मकाम हो या फिर पीछे के मकाम हो। उसमें जो गोश्त इधर उधर जो रहते हैं उस पूरे गोश्त को हटा खूब बढ़िया से धुलना है। नंबर 14 बता रहे हैं कि माथे पर अफशा चुनी हो तो उसको छुड़ाना ज़रूरी है, यूं ही बाल में अगर इतना गूंद वगैरह लगा है कि उसके होते बाल अच्छी तरह से तर न होंगे तो उसका छुड़ाना भी ज़रूरी है वरना गुस्ल न होगा। दुर्रे मुख्तार अब्दुल मतार फतावा रजवी और बहारे शरीयत, तो ये जो सारी चीज़ें बताए हैं उसको खूब अच्छे से बेहतर से उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में न आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।